हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं, अगर आपको भी IRCTC अकाउंट बनाना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैंने इसमें प्रॉपर तरीके से बता रखा है कि आपको IRCTC अकाउंट कैसे बनाना है। तो आपको IRCTC अकाउंट बनाने सबसे बेस्ट ऐप जो है इस टाइम रेल यात्री ऐप है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। आप इस वीडियो को देख के आप आसानी से जो है IRCTC अकाउंट जो बना सके आ जाएगा। तो आपको IRCTC अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपली करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोफाइल का, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपसे बोला जाएगा अकाउंट को ऐड करने के लिए। तो आपको सिंपली करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड IRCTC अकाउंट, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने जो है इस प्रकार का आएगा, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा और क्रिएट न्यू IRCTC अकाउंट, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको अपना नेम डाल देना है। यूजर नेम मतलब आप अपने हिसाब से अपना कोई यूजर नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको वो यूजर नेम दे दिया जाएगा। तो आपको कुछ यूनिक सारे यूजर नेम आपको यहाँ लिख लेना, तो मैंने फिलहाल अपने नाम ही लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर करना है। दोस्तों मोबाइल नंबर वही एंटर करना है जिस मोबाइल नंबर पर कभी भी IRCTC अकाउंट नहीं बनाओ, और ईमेल आईडी भी आपको वही एंटर करना है जिस ईमेल आईडी पर कभी भी IRCTC अकाउंट नहीं बनाओ, मतलब आपका जो IRCTC अकाउंट है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए पूछा जाए कभी आप जो है अपना यूजर आईडी या पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से जो है अपना ये रिकवर इसको कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक सबसे ऊपर वाला ही कुछ यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप उसका आंसर दे देना है, तो यहाँ मैं आंसर दे देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, और उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते दोस्तों फिर आपको यहाँ बोला जाएगा फर्स्ट नेम डालने के लिए, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको अगर मिडल नेम है अगर आपका तो यहाँ पे एंटर करना है, नहीं तो आपको जो खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट नेम एंटर कर देना है, जो भी आपका लास्ट नेम हो दोस्तों। जहाँ भी ये रिलेटेड आपको दिख रहा है ये सभी कुछ जो है यहाँ पे फिल करना ही करना है। हमें सभी कुछ यहाँ फिल कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो उसका यहाँ पे मंथ पे क्लिक करके यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ईयर पे क्लिक करके आपको जो है ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली करना है, यहाँ पे आपको नेशनलिटी पूछा जाता है, तो आपको नेशनलिटी पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, तो आप किस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कि आप काम क्या करते हैं। तो जो भी आप अगर गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी आपको आप सेलेक्ट कर लेना है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड है सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली पूछा जाता है कि आप शादीशुदा है, मैरिटल स्टेटस के बारे में, तो आप किस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर शादीशुदा है तो मैरिड पर क्लिक करना, नहीं तो अनमैरिड पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको फिर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू पर क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे आपका जो दूसरा स्टेप है ये भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जाएगा आपको एड्रेस फिल करने के लिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एड्रेस फिल कर देना। यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स में यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, फिर यहाँ पे आपको स्ट्रीट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, मतलब कि यहाँ पे कोई भी डाल देना है। यहाँ पे एरिया डाल देना है, यहाँ पे कंट्री आपको इंडिया डाल देना है। यहाँ पे आपको सिंपली करना है, यहाँ पे आपको पिन कोड जो है वो एंटर कर देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे स्टेट यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख देना है कौन से स्टेट से है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी सिटी हो आपका वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो है वो भी सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। यहाँ पे सभी कुछ यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी कुछ फिल कर लिया, तो यहाँ पे आपको लैंडलाइन नंबर भी डालना होगा, तो हमारे पास तो है नहीं, मैंने फिलहाल मोबाइल नंबर डाल। फिर मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे सक्सेसफुली जो है यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए तो आपको जो है ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा, तो आपका यूजर आईडी वही है और पासवर्ड जो है आपको सेंड टू योर ईमेल आईडी पे, जो आपने ईमेल आईडी दिया वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, उसी ईमेल आईडी पे आपको जो पासवर्ड यहाँ पे जो है यहाँ पे भेजा गया। फिर आपको सिंपली करना है कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप मैं सबसे पहले करता कि मैं अपना यूजर आईडी को लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे IRCTC सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे ऐड न्यू IRCTC यूजर आईडी, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑप्शन का, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपने अभी यूजर आईडी बनाया है वो एंटर कर देना है। तो मैं करके देखता हूँ, फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो यूजर आईडी है यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे हमें इसमें जो है प्राइमरी यूजर का ऑप्शन दिख रहा है, पर दोस्तों इसका पासवर्ड जो है अभी तक मेरा ईमेल आईडी पे जो यहाँ पे नहीं आया है। तो दोस्तों आप इस प्रकार जो है आसानी से जो आप रेल यात्री ऐप से जो है अपना IRCTC अकाउंट को बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट में कहें। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबके लिए इतना ही।